हेलो फ्रेंड्स, रूबीज कुक बुक में आप सभी का स्वागत है। आपने मूंग दाल का चीला तो बहुत बार बनाया होगा, एक बार मसूर दाल का चीला बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये चीला खाने में बहुत स्वादिष्ट तो है ही और प्रोटीन से भरपूर होता है। तो चलिए इसका रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले 3 से 4 घंटा मसूर दाल को हमने भिगो कर रखा था। इसको 3 से 4 पानी से अच्छे से हम धो लेंगे। उसके बाद इसको एक मिक्सी का जार में हम ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर हम पीस लेंगे। शुरू में बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, बाद में हम इसका कंसिस्टेंसी पानी डालकर एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए, दाल को हम बारीक पेस्ट बना लिए हैं। आप इसको दरदरा भी पीस कर बना सकते हैं। तो देखिए, इसको एक बर्तन में हमने ट्रांसफर कर लिया है और थोड़ा पानी डालकर इसको हल्का पतला कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच चावल का आटा। इससे हमारा चीला जो है बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सूजी भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, ये थोड़ा बैटर गाढ़ा लग रहा था तो थोड़ा सा पानी हमने इसमें और भी ऐड किया है और 10 मिनट इसको ढक कर रख देंगे। 10 मिनट रेस्ट के बाद एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इधर एक नॉनस्टिक पैन को गैस के ऊपर चढ़ा दिया है, वो अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसमें हमने ऑयल नहीं डाला है क्योंकि नॉनस्टिक तवा है। उसके बाद 1 चम्मच बैटर का डाल के इसको चम्मच से इस तरह से धीरे धीरे फैला देंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम ही रखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ प्याज और कटी हुई हरी मिर्च ऊपर से थोड़ा डाल देंगे। उसके बाद प्याज को हाथों से ही इस तरह से दबाते हुए इसको सेट कर लेंगे। आप चम्मच से भी कर सकते हैं। उसके बाद साइड में थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डाल देंगे। इससे हमारा चीला जो है बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। तो देखिए, इस तरह से 2 मिनट सेकने के बाद इसको साइड से थोड़ा थोड़ा करके स्क्रैच कर लेंगे। उसके बाद इसको हम पलट देंगे। तो देखिए, इसको हमने पलट दिया है। उसके बाद इस तरह से चम्मच से दबाते हुए चीला का दूसरे तरफ भी अच्छे से सेक लेंगे। ये सेकने में 4 से 5 मिनट लग जाता है मीडियम फ्लेम में। तो देखिए, चीला का दूसरा तरफ भी सिक गया है। तो इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरा चीला भी बनाकर दिखाते हैं। तो देखिए, बैटर का 1 चम्मच हमने डाल दिया है और इसी से हम इसको अच्छे से फैला लेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्याज और हरी मिर्ची ऊपर से डाल देंगे और 2 मिनट सेकने देंगे इसको। 2 मिनट सेकने के बाद थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे। अगर आप सॉफ्ट सॉफ्ट चीला खाना चाहते हैं तो आप मीडियम टू हाई फ्लेम में इसे सेक लें। अगर थोड़ा क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो मीडियम टू लो फ्लेम में सेक लें। तो देखिए, 2 से 2.5 मिनट हो गया है। तो इसको साइड से थोड़ा थोड़ा करके हम ये कर लेंगे और उसके बाद इसको पलट देंगे और दूसरे तरफ भी 2 मिनट लगभग दबाते हुए हम इसको सेक लेंगे। तो देखिए, कितना अच्छा कलर आया है। दूसरा चीला भी हमारा सिक गया है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। हमने यहाँ कोकोनट और मूंगफली का चटनी के साथ सर्व किया है। आप यहाँ पे अपना मनपसंद कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हाई प्रोटीन मसूर दाल का चीला का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।